हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ एक्स टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 5 इज इक्वल टू रूट में 2 माइनस रूट में 3, देन एक्स टू पावर 1026 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 1026 इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन का हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस रूट में 3। यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट में 3। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 10 इज इक्वल टू माइनस रूट में 3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। इस इक्वेशन का अगेन हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 10 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 3। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 20 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स टू पावर 20 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 20 इज इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 10 इंटू में एक्स टू पावर 20 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 20 इज इक्वल टू माइनस रूट में 3। हम देखिए इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टू पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 30 प्लस 1 अपॉन में एक्स टू पावर 10। 1 बाई एक्स टू पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म में तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में x टू पावर 30 इज इक्वल टू माइनस रूट में 3। x टू पावर 10 प्लस 1 अपॉन में x टू पावर 10 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस रूट में 3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 30 प्लस 1 अपॉन में x टू पावर 30 माइनस रूट में 3 इज इक्वल टू माइनस रूट में 3। यहाँ देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 30 प्लस 1 अपॉन में x टू पावर 30 इज इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 60 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे देखिए हम सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस 1, तो हमारे पास हो जाएगा x टू पावर 60 इज इक्वल टू माइनस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 10। यहाँ पे देखिए आई टू द पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इसके होल पावर में 5। आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1, हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 की जगह पे हम पुट कर देंगे i टू द पावर 10, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x टू पावर 6 इज इक्वल टू i। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं, इसे हम e के इक्वल मान लेते हैं, e इज इक्वल टू x टू पावर 1026 को लिख सकते हैं x टू पावर 6 इसके होल पावर में 171 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे भी x टू पावर 6 इसके होल पावर में 171। एक्स टू पावर 6 की वैल्यू हमारे पास आ गई आई, यहाँ पे पुट कर देंगे कि हमारे पास हो जाएगा आई टू द पावर 171 प्लस 1 अपॉन में आई टू द पावर 171। यहाँ पे देखिए आई टू द पावर 171 को हम लोग लिख सकते हैं आई क्यूब इंटू में आई टू द पावर 168 प्लस 1 अपॉन में, यहाँ पे भी देखिए आई टू द पावर 171 को हम लोग लिख सकते हैं आई क्यूब इंटू में आई टू द पावर 168। यहाँ पे देखिए i टू द पावर 168 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास हो जाएगा i स्क्वायर इसके होल पावर में 84। i स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस 1, हो जाएगा माइनस 1 इसके होल पावर में 84 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा i क्यूब प्लस 1 अपॉन में i क्यूब। यहाँ पे देखिए i क्यूब है, i क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू में आई, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आई, आई क्यूब की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस आई, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आई प्लस 1 अपॉन में माइनस आई। यहाँ देखिए इस टर्म में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू में आई और अपॉन में भी आई, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस आई प्लस आई अपॉन में, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस आई प्लस आई।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।